और भिलाई नगर निगम अंतर्गत आने वाले रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों की विशेष बैठक निगम सभागार में की गई। हम बता दें कि भिलाई नगर निगम अंतर्गत लगभग 75 कॉलोनियां हैं, जिनमें से कुछ प्राइवेट, कुछ निगम व कुछ हाउसिंग बोर्ड की हैं। इन कॉलोनियों की उचित साफ सफाई सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा यहाँ की गई। महापौर नीरज पाल की उपस्थिति में हुई बैठक में समस्याओं के निराकरण पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक को लेकर महापौर नीरज पाल ने प्रतिक्रिया दी। आज ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगभग 75 कॉलोनी, जिसमें कुछ कॉलोनियां नगर निगम की हैं और कुछ प्राइवेट कॉलोनियां, कुछ हाउसिंग बोर्ड की, ऐसा सभी से प्रतिनिधि आए थे, उनके एसोसिएशन के मेंबर आए थे। नगर निगम की जो मूल नगर निगम की जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा वो है, उनको बेसिक जो चीज़ें हैं, पानी सफाई उपलब्ध कराना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों उनके साथ बैठ के हम सफाई की कैसे बेहतर कर सकते हैं, सफाई में उनकी हम क्या मदद लेके शहर को सुंदर बना सकते हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं थी, उसको बैठ के हम लोगों ने आपस में आज एक नई शुरुआत की है। एक विचार विमर्श करके हम लोग जितनी भी समस्याएँ आएगी, चाहे कॉलोनी वालों की तरफ से आए, चाहे नगर निगम को कुछ, जैसे सफाई को लेके कचरा जो हम लोगों का एक बड़ी समस्या जो है, कचरा हमको जब भी मिलता है वो मिक्स कचरा मिलता है, जबकि हमारा बार बार सबसे आग्रह रहता है कि सूखा कचरा और गीला कचरे को अलग अलग किया जाए। आज अच्छी बात हुई है, सबने उस बात को स्वीकार किया है कि सूखा कचरा गीला कचरा हम अलग अलग दोनों अपने अपने कॉलोनी में व्यवस्था जमा के हम देंगे और एक साथ वो सारे कचरे जो बचा हुआ सूखा कचरा है, गीले कचरे को कॉलोनी में कोई व्यवस्था बना के वहाँ पर उसको डिस्पोज करने की व्यवस्था करेंगे, सूखे कचरे को नगर निगम उठाएगा। एक सफाई को लेके एक नई शुरुआत हुई है, डेवलपमेंट को लेके एक नई बात बनी है।